हेलो दोस्तों, मेरा नाम समृद्धि त्रिपाठी है और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसे हैबिट्स जो आपके लाइफ में सक्सेस बिल्कुल लाएंगे और कभी ना कभी तो वो हैबिट्स आपके लाइफ में सक्सेस अचीव करने में भी हेल्प करेंगे। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। सो पहली हैबिट है रीडिंग बुक्स। आपने इलोन मस्क को तो सुना ही होगा, वो एक बहुत बड़े पर्सन है, पर आप ये जानते हैं कि वो स्कूल नहीं जाया करते थे। अब आप सोचेंगे कि अगर वो स्कूल नहीं जाया करते थे तो इतनी सारी नॉलेज उन्होंने कैसे गेन की, उन्होंने कैसे कार्स बनाए, उनकी नॉलेज कैसे उनके पास है, कैसे स्पेसएक्स का इन्वेंट हुआ, उन्होंने कैसे रॉकेट्स बनाए, ये सारे नॉलेज उनके पास कैसे आए। तो दोस्तों, इसका एक रीज़न है रीडिंग बुक्स। उन्होंने बुक्स रीड कर करके उन्होंने अपने माइंड में सारी चीज़ों को बैठा लिया। जो आप वर्ड्स की भी एक बहुत बिग पावर होती है, वो पावर हमारे माइंड में जाके हमारे माइंड में उन वर्ड्स को अट्रैक्ट करती है, माइंड को उन वर्ड्स को अट्रैक्ट करती है और वो माइंड हम बहुत दिनों तक, बहुत सालों तक उस वर्ड को याद कर सकता है। और जो हम खुद वर्ड बोलते हैं वो हमारे माइंड में बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। इट डू नॉट लेस्ट इफेक्ट, वो हमारे माइंड से ही आता है। जो हम सोचते हैं वो हम बोलते हैं और वो हम करते हैं। तो वर्ड्स के भी एक बहुत पावरफुल पावर्स होते हैं उनके अंदर, तो वो हमारे माइंड में जाके बहुत सालों तक ब्रेन के अंदर स्टोर रहते हैं। तो अगर जो वर्ड हम खुद से पढ़ते हैं वो वर्ड हमारे ब्रेन में जाके बहुत सालों तक या बहुत महीनों तक स्टोर रहती है, जिससे हमें उसका पता बहुत बहुत दिनों तक रहता है। तो रीडिंग बुक्स इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज़ अवेलेबल इन एवरीवेयर। यू कैन गो इन द लाइब्रेरी और एनी वेयर वेयर यू वॉन्ट टू गो एंड बाई अ बुक वॉट यू वॉन्ट टू रीड एंड यू कैन रीड इट। तो इलोन मस्क ने, आप जानेंगे कि इलोन मस्क ने पढ़ा कि स्कूल में उनके एक रीज़न थे पीपल्स। उनके स्कूल में बहुत सारे लड़के थे जो उनको मार मार के चले जाते थे, भाग जाते थे और अगले दिन आके उनको फिर से मार के चले जाते थे। एक दिन तो उन्होंने इलोन मस्क को सीढ़ियों से धक्का दे दिया और इतना मारा वो बेहोश हो गए। और फिर अगले दिन जब उनकी आंखें खुली तो वो अपने आप को हॉस्पिटल में पाए और वो इतनी बड़ी इंजरी थी कि वो 2-3 महीने तक अपने हॉस्पिटल में ही रहे थे। इसलिए उनके मम्मी पापा ने ये डिसीज़न लिया कि वह अब स्कूल इसको नहीं पहुँचाएंगे। और इलोन मस्क ने भी ये समझा और फिर उन्होंने रीडिंग बुक स्टार्ट की। कम से कम उन्होंने 8 ईयर्स में ही बुक्स रीड करना शुरू हो गया था। उनकी इंग्लिश भी बहुत इम्प्रूव हुई थी और साथ ही साथ उनके और भी लैंग्वेज इम्प्रूव हुए थे और उनको नॉलेज धीरे धीरे उनका नॉलेज बढ़ता जा रहा था। इसलिए रीडिंग बुक्स इज़ अ वेरी गुड चॉइस टू अचीव अ सक्सेस, क्योंकि कभी ना कभी तो वो नॉलेज आपके लाइफ में आपका हेल्प करेगी, आपके सक्सेस अचीव करने में हेल्प करेगी। क्योंकि अगर जो भी नॉलेज आपने गेन किया है वो कभी वेस्ट नहीं होती, वो कभी ना कभी हमारे लाइफ में हमारी हेल्प करती है। इसलिए जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम नॉलेज गेन करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा हम अपना अचीव सक्सेस कर सकते हैं, अपने गोल्स ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी अचीव कर सकते हैं। और मेन पॉइंट इज़ इंग्लिश स्पीकिंग, बिकॉज आजकल इंग्लिश स्पीकिंग बहुत इम्पॉर्टेंट हो रहा है। और आपको ये पता ही होगा कि इंग्लिश हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो रही है। और अब ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड में इंग्लिश इम्पॉर्टेंट हो रही है और इंग्लिश की वजह से तो बहुत सारे लैंग्वेजेस भी ख़त्म हो जा रहे जो हम अब नहीं बोलते। कई लोगों को तो ये भी नहीं पता होगा कि कौन से लैंग्वेज कहाँ बोली जाते और क्या हम भी वहाँ के। तो आजकल इंग्लिश बहुत इम्पॉर्टेंट है, इंग्लिश आपको इम्प्रूव करनी पड़ेगी क्योंकि वो ऑफिशियल लैंग्वेज है। और अगर आप वो इम्प्रूव नहीं करेंगे तो आपके अंदर एक नेगेटिव पावर आएगी जो आपको सक्सेस अचीव नहीं कर पाएगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपनी इंग्लिश भी इम्प्रूव कर सकते हैं रीडिंग बुक्स के थ्रू। तो अब आपको
पता चल गया कि रीडिंग बुक्स की क्या क्या बेनिफिट्स है और हमें क्यों पढ़ना चाहिए। दूसरी हैबिट है मॉर्निंग एक्सरसाइज। तो आपको अपने वेल्थ के साथ साथ फाइनेंशियल के साथ साथ अपने हेल्थ और अपने हेल्थ की भी बिल्कुल ख्याल रखना है। बिकॉज अगर आप स्वस्थ हैं, अगर आप हैप्पी हैं और अगर आपको बिल्कुल पावरफुल है, तो आप अपना काम सब कुछ कर सकते, कभी भी कहीं पर भी आप अपना काम कर सकते। और अगर आप पावरफुल नहीं हैं, आप स्ट्रेस लेते हैं, बहुत सारा इलनेस आपके अंदर है, तो आप वेल्थ को अचीव नहीं कर सकते। क्योंकि वेल्थ को अचीव करने के लिए हमारे हेल्थ भी अच्छा रहना चाहिए। और नॉट ओनली अवर हेल्थ, हमारे हेल्थ में दो तरह के हेल्थ होते हैं। पहला होता है फिजिकल हेल्थ और दूसरा होता है मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ क्या होता है? मेंटल हेल्थ होता है हमारा ब्रेन से इन्वेंटर, जो हमारे ब्रेन में होता है सर्कुलेशन, जो भी होता है, अगर उसमें कोई खराबी आ जाती है या प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। कई लोग बोलते कि ये इंसान पागल हो चुका है, ही इज़ स्टूपिड, ही इज़ मैड। सो व्हाई ही इज़ मैड? बिकॉज ऑफ हिज ब्रेन लूज सम पावर्स एंड ही इज़ गेटिंग मैड। उसका ब्रेन जो है किसी प्रॉब्लम से काम करना बंद हो गया, या उसके ब्रेन में कोई प्रॉब्लम हो गई, तो वो पागल हो गया। क्योंकि ब्रेन एक ऐसी चीज़ है जो आपके पूरे लाइफ में आपका हेल्प करती है। जो भी कॉमन थिंग्स है, याद करना, कुछ भी करना, या और यहाँ तक कि आपके मूवमेंट्स तक, आपके जो मूवमेंट्स होते हैं मसल्स और बोन्स मूवमेंट, वो भी आपके दिमाग से ही, आपके ब्रेन से ही कनेक्टेड होते हैं। तो ये सब विदाउट ब्रेन हमारा लाइफ बिल्कुल अजीब हो जाएगा। इसलिए ब्रेन बहुत ख्याल रखना चाहिए हमें, जितना हो सके जो आपके मेमोरी को बढ़ाए, जैसे कि एलमेंट्स, नट्स खाना चाहिए, क्योंकि वो आपके ब्रेन पावर को बढ़ाएंगे और आपको सक्सेस अचीव करने में हेल्प करेंगे। अब ये तो हो गया मेंटल हेल्थ का, अब हम आएंगे फिजिकल हेल्थ। अब मैंने एक्सरसाइज क्यों कहा कि रोज़ एक्सरसाइज करो, क्योंकि मैंने कहा फिजिकल हेल्थ के ही लिए कहा। अगर आप अपने बॉडी को, मेंटल भी हेल्थ है तो फिजिकल भी ऑटोमेटिकली हेल्थ आपकी इम्प्रूव हो जाएगी। पर तब भी आपको रोज़ एक्सरसाइज करने पड़ेगी। कम से कम हाफ एन आवर या एक आवर आप अलग सा टाइम ले लीजिए, उसमें आपको जो भी करना है वो कर सकते हैं। जैसे कि आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, वर्कआउट कर सकते हैं, डांस कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, एक्सेट्रा, कुछ भी आप ले सकते हैं आप, और उस टाइम में इंक्लूड करके उसको ध्यान लगा के कीजिए। चाहे और सबसे अच्छा एक एक्सरसाइज होती है मेंटल हेल्थ के लिए भी, वो होता है मेडिटेशन। आप 5 मिनट तक मेडिटेशन भी कर सकते हैं। अभी मेडिटेशन क्या होता है? मेडिटेशन आप अपने आईज बंद कीजिए, अपने आईज को क्लोज रखिए और अपने ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट प्रोसेस में फोकस कीजिए। आप ऐसे अल्लो उसमें पोस्चर में बैठिए, सही पोस्चर में, और अपने सब ब्रीथ इन ब्रीथ आउट मीन सांस ले रहे हैं या सांस अंदर कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसमें फोकस कीजिए। जब आप सांस अंदर ले रहे हैं तो ये देखिए कि सांस अंदर हो रही है, फिर बाहर हो रही है तो ये देखिए कि बाहर हो रही है, मतलब अपने उसमें फोकस कीजिए। इससे क्या होता है, आपके फोकस पावर बढ़ती है। जिस चीज़ में आपको फोकस करना है वो आप अच्छे से फोकस कर पाएंगे। और दूसरा, हाँ, आपके मेंटल, ये मेंटल एक्सरसाइज ही है, ये आपके मेंटल को बहुत, ये आपके मेमोरी को बहुत अच्छा करेगा और फोकस पावर भी अच्छा करेगा। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको अपनी लाइफ में सक्सेस अचीव करना है तो आपको अपना हेल्थ का भी ध्यान रखना पड़ेगा। बस यही थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और इफ़ यू आर न्यू इन माय चैनल तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।